केंद्र की ओर से हमने एक आज राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके ऊपर एक छोटा सा सेलिब्रेशन प्रोग्राम यहाँ रखा है और जिसमें ये हमारे जो ट्रेनिंग लेने जो लड़कियाँ आती हैं वो सब लोग यहाँ पर शामिल हैं। इसमें हमने मुनासिब सा छोटा सा प्रोग्राम किया है स्पेशली लेडीज़ के लिए। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इतने सारे डे हम मनाते हैं लेकिन इन सब दिनों में से एक जो महिला दिवस है ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन हम लोगों को पता होना चाहिए हमारी महत्वाकांक्षा क्या है और हम अपने देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और जितना भी हम अपने देश के लिए सहयोग देंगे वो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा दे, जितना दे रहे हैं हम उतना कम है। और हमारी सहभागिता युवाओं की जो लेडीज़ हैं युवा जनरेशन उनकी सहभागिता हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसमें छोटे छोटे संगठन के थ्रू जैसे एक मेरा संगठन है यहाँ बड़ा इंदिरा में चल रहा है, इस तरह और जगह भी इस तरह है। तो मैं आज इन छोटा सा इन लेडीज़ को लेके एक छोटा सा फंक्शन हमने महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम यहाँ हमारे बीच हमारे बैंक मैनेजर साहब पीएस दुग्गल साहब जो बैंक ऑफ पटियाला से मैनेजर हैं, ये हमारी लेडीज़ जो होती हैं पुअर फैमिली से उनकी बहुत हेल्प करते हैं। अकाउंट जीरो बैलेंस पे उनका अकाउंट खोलते हैं और एकदम कोई भी हमारे साथ में हमारे साथ मोहम्मद शकील साहब बैठे हैं जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है हमारी संस्था के जनरल सेक्रेटरी हूँ और जो यहाँ सब मेरी बैठी है से पार्टी ये सब ये मेरी स्टूडेंट्स हैं और ये बराबर मेरा साथ देती हैं और आगे बढ़ने की इनके अंदर जो इच्छा है उसके साथ में चाहती हूँ कि ये लोग आगे बढ़ें और कामयाब हों। तो ये काफ़ी पहले ये लोग बाहर नहीं निकलते थे, इन्हें समझाती रहती हूँ बाहर निकलो कुछ करो आप आगे बढ़ो। तो अब मैं देख रही हूँ पहले से काफ़ी इनकी घर से ही बाहर निकलती थी, आज इस कम्युनिटी सेंटर में सर ये प्रोग्राम हो रहा है, अगर मैंने इनको बोला कि आप सेंटर में आइए प्रोग्राम नहीं वहाँ नहीं जाएंगे हम नहीं आए घर पे ही हो जाए। तो लेकिन आज मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि मैंने इनको बोला कि नहीं वहाँ प्रोग्राम है, थोड़ा स्पेस भी खुला है, मेरी जो सेंटर जो जगह है वो थोड़ी छोटी है। तो आज ये सब लोग यहाँ मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, अभी आज जुम्मे का दिन है, थोड़ा सा हमारे यहाँ नमाज का होता है। ये तो काफ़ी संख्या में 100 स्टूडेंट्स टाइम हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में एक्चुअली समाज बदले कुछ भी बदले जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेंगे। हमें मानसिकता क्या बदलनी है, हमें सबसे मानसिकता बदलनी है कि औरत की इज्जत करना जो हम नहीं सीख रहे। तबस्सुम मैडम अपने माध्यम से अपने उससे काफ़ी ये जागरूकता लोगों में फैलाती रहती है, हर तरह से इन्होंने एनजीओ भी चला रखे हैं अपने, श्री प्रेम मानव सेवा समिति भी की चल रही है जिसके अंडर ये सिलाई कढ़ाई का भी काम सिखा रही है, ब्यूटी पार्लर कभी कंप्यूटर कभी डिपेंडेंट कहा।
जब तक आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकती, आप आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो अपनी सोच ये बदले कि आपको आगे आना है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, आप घर नहीं ले लो जिनकी सुबह ज़्यादा चलती है, दरवाजे की तो ऐसा नहीं है। हर मामले में मैं बैंक में हूँ, मेरे बैंक में इसमें आपको अपने अंदर से लेकर आना है। और किसी भी साइड की जरूरत है तो आपके लिए तो बहुत सारे रेवेन्यू खुले हैं, गवर्नमेंट चैनल से भी, प्राइवेट चैनल से भी, हमारे चैनल से भी। आपको कहाँ सहयोग चाहिए, कौन आपको मदद करता है, आपको भी बहुत सहयोग मिला होगा। आप बस ये है कि आपने अपने आप को शक्तिमान बनाना है कि अपने आप को कैसे आपने खुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया। आपके जितने कमजोरी हो बहुत काम कभी नहीं आई आवाज, सबकी नहीं आई। जो देश से प्यार करते हैं वो करेंगे जय हिंद। हाँ ये बात है। अब मैं सिर्फ दो तीन बातें हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ना कि मैं अपने कुछ मेरे विचार में तो जितना आता नहीं है बोलना। एक पुरस्कार दिया जा रहा है अमेरिका में, जो अभी दामनी के साथ जो कुछ केस हुआ था, तो मेरी तरफ से मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि क्या वो सही है या गलत है, सब बताइए आप। एक उस आप एक नारी के साथ रेप हो रहा है, वहाँ पे कह रहे हैं कि हम ये पुरस्कार दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है कि ब्रेड पुरस्कार हो, बल्कि उनको ये चीज होनी चाहिए कि ऐसे कुछ कानून लाए वो भारत की, जब सुनते हैं अमेरिका की, तो ये ऐसे कुछ कानून लाए कि ये केस हो ही ना। हमारे अभी मैं कल समाचार सुन रहा था, 181 रेप हुए, 181 केस हुए ये अभी 1 जनवरी से लेके अब तक। और ये भी बताया आंकड़ा कि दिल्ली के 4। ये क्यों हो रहे, क्यों हो रहे, क्या जो महिला है वो यहाँ नहीं रहती, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। मैं अभी एक उधर प्रोग्राम से आ रहा हूँ, अभी वहां पे मैंने देखा जो महिला आई हुई थी वो मतलब ऐसी थी कि जैसे ले आए, जैसे बैठे कहीं से भी। और यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो तरुण जी ने जो यहाँ पे किया है, एक कॉलेज की महिलाएं, घर की महिलाएं, वो निकल के आई है बाहर। और ये आप लोग ही जो जागरूकता करते कर सकते हैं। मैं अभी ये नहीं देख रहा कि यहाँ पे 50 लोग हैं, 100 हैं, यहाँ पे 1000 लोग हैं। आप लोग अगर 10-10 बंदों को भी ये चीजें बताएंगे कि हम लोग क्यों इतना पीछे जा रहे हैं, क्यों हम लड़कियों की इज्जत क्यों नहीं करते, क्यों हम लोगों को ऐसा हो रहा है, ये चीज जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। और जब पॉलिटिक्स में सब आ रहे हैं, मतलब ये देखिए कि चांद तक पहुंच गई है महिलाएं, चांद तक पहुंच गई है, तो यहाँ पे इज्जत क्यों नहीं है, इसका क्या रीजन है, ये एक बार हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और मेरे को एक मुद्दा लगता है कि ड्रिंक दारू एक ऐसी चीज है जो हर किसी का होशोहवास खो देती है। पीने को लोग पीते हैं, लिमिट में भी पीते हैं, घर पे भी पीते हैं, वो कुछ ऐसा काम नहीं करते। लेकिन एक इंसान अगर जैसे 3 लोग हो गए गाड़ी में जा रहे हैं, कोई महिला दिखती है, कुछ दिखते हैं, अपने आप उनके ऐसी दरिंदगी निकलती है, इतना गलत सोचते हैं, वो चीजें सोच खत्म करनी है। आज की वेशभूषा में नहीं है कुछ ऐसा, वो अपनी सोच है कि जो हम लोगों ने सोचा हुआ अंदर कि वो चीजें सुधारनी है। बस थोड़ा सा मैं यही चीज कहना चाहता हूँ, मेरे को इतना बोलना नहीं आता, थोड़ा सा ये चीजें हम बाहर जाके बताएं कि यहाँ भी हम लोग भी महिलाएं हैं और हम लोगों ने भी लड़ना है। 50% निगम पार्षद में हो गया आज की डेट में 50% है। और ये अभी विधानसभा में भी ऐसे कुछ लिस्टेड करेंगे कि वो भी महिलाएं ज्यादा आएंगी। जब महिलाओं को ला रहे हैं तो इस तरीके से क्यों नहीं कर रहे, ये चीज थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और ये आप सोचेंगे बाहर दूसरी महिलाओं को, अब दिल्ली पुलिस ने जूडो कराटे का शुरू कर रखा है, आप में से कितनी महिलाएं जाती हैं, ये लोग आप लोगों की, हम लोगों की सबकी सोच है। हमें ये सोच क्यों नहीं करते कि कोई हमें छेड़ रहा है, हम जूडो कराटे से सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं सीखते, हर एरिया में सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। तो ये चीजें हमारे अंदर ही होनी चाहिए कि अभी हम लोग सीखे और अपना कुछ कर सके। पुलिस आपके साथ है लेकिन हम भी तो कुछ करें अपने लिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे बीच जिनका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और ये रघुवीर प्रसाद जी जो है Thank you.
राष्ट्रहित के लिए बलिदान होने वाले वीरों की गौरव कथाओं से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा विकास प्रगति के लिए किए गए कार्यों से समस्त देशवासियों की सुरक्षा और उन्नति संभव है। राष्ट्र निर्माण के कार्यों में क्या पुरुष क्या नारी दोनों ही समान है। नारियों के बलिदान की गौरव कथाएं प्रत्येक देश के इतिहास को गौरवान्वित करती हैं। भारतीय नारियों ने भी राष्ट्रीय विकास और गौरव में श्री वृद्धि करने में पुरुषों का सदैव साथ निभाया है। कई क्षेत्रों में तो वह पुरुषों से आगे निकल गई। ममता, त्याग, पवित्रता, उदारता और सहनशीलता आदि गुणों में संपन्न भारतीय नारी ने भारतीय नारी को गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। तू भूल गई अपना ही रूप, तू गृह लक्ष्मी, तू अन्नपूर्णी, तू शक्ति रूप दुर्गा, तू सरस्वती भी तेरा मुख क्यों हुआ मनाज, तू कमजोर कैसे बन गई, नारी ही नारी का शत्रु बन गई। आज जरूरत है भारत की नारी तेरी जागृति की, भारत पुकार रहा है तुझे बार बार, ए लड़की तू कमजोर नहीं, कर सकता तुम पर किसी का जोर नहीं। लोगों को जागरूक करना चाहता है लेकिन लोगों की थिंकिंग इतनी छोटी होती है कि वो इससे नहीं समझते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ हमें क्राइम करने का एक और रास्ता मिल गया जिससे हम सीखेंगे और करेंगे, ये गलती इसने करी है हम नहीं करेंगे। अभी लोगों की थिंकिंग में डिपेंड है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। उसमें चोरी दिखाते हैं, कतल करना दिखाते हैं, एक थीम मिलती है उससे कि हाँ इस बार हम ऐसा करेंगे। अच्छा उससे भी हमारे घरों में अलग असर मदद कर रहे हैं, डर जाते हैं वो भाग नहीं निकलने देते कि भाई बच्चे को नहीं भेज रहे। माँ बहुत दर्द सहकर, बहुत दर्द देकर तुझसे कुछ कहकर मैं जा रही हूँ। आज मेरी विदाई में जब सखियाँ आएंगी, सफ़ेद जोड़े में देखकर सिसक सिसक मर जाएंगी, लड़की होने का खुद पे फिर वो अफसोस जताएंगी। माँ तो उनसे इतना कह देना, दरिंदों की दुनिया में संभल कर रहना। माँ जब राखी पर भैया की कलाई सुनी रह जाएगी, याद मुझे कर कर जब उनकी आग बढ़ जाएगी, तिलक माथे पर करने को माँ मेरी रूभी मचल जाएगी। माँ तू भैया को रोने ना देना, मैं साथ हूँ हर पल उनसे कह देना। माँ पापा भी छुप छुप कर बहुत रोएंगे, मैं कुछ ना कर पाया ये कहकर खुद को कोसेंगे। माँ दर्द उन्हें ये होने ना देना, इल्ज़ाम को ई लेने ना देना, वो अभिमान है मेरा, सम्मान है मेरा, तू उनसे इतना कह देना। माँ तेरे लिए अब क्या कहूँ, दर्द को तेरे शब्दों में कैसे बांधूँ। लेकिन आज भी हमारे समाज में लड़कियों को बहुत समझते हैं, और जो लोग नहीं समझना चाहते, हमारे समाज में आज इतनी गंदगी फैल गई है कि हमारे माँ बाप हमें घर से बाहर निकलने भी सोचते हैं कि हम भेजें या नहीं भेजें। आज ये हो गया जहाँ एक तरफ किया जाता है लड़के लड़कियाँ एक बराबर हैं कोई बात नहीं, वहीं इसी वजह से बहुत समझ कर लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, कि कुछ जगहों पर तो लड़कियों को भेज भी दिया जाता है ये बोझ उतारने के लिए। लेकिन जहाँ ये कहते हैं कि लड़के लड़की बराबर हैं आज हमारे समाज में, वहीं लड़कियों को ना तो घर से निकलने दिया जाता है, और जो बस वो समझ के उतारने की बस जल्दी जल्दी लगी रहती है, और ना उनकी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दिया जाता है, ना उन्हें कोई ऐसे हुनर सिखाए जाते हैं कि आगे जाकर उनके काम आ सके। और बस इसी उसमें जो लोग ऐसे सोच रखते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी बेटियों का फ्यूचर नहीं देखा, उन्हें नहीं पता कल उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अगर उनके साथ कुछ भी गलत होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसे ना शिक्षा देने वाले वही माँ बाप, वही भाई बहन जो उसको नहीं घर से निकलने देते। तो मैं ऐसे लोगों से बस ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाए लिखाए, ऐसे हुनर दें जो उन्हें ज़िंदगी में आगे काम जाकर आ सके। धन्यवाद। हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है उनके साथ, उनकी वजह से कहा जाता है नहीं तुझे घर से बाहर नहीं जाना, तुझे घर में रहना है, या फिर तुझे इस जगह नहीं जाना, तुझे उस जगह नहीं जाना। स्कूल जाने के लिए मम्मी पापा सुबह रोज़ आते हैं लेने, और सुबह रोज़ आते हैं छोड़ने और लेने। क्यों अपनी बच्चियों पे वो इतना ज़्यादा रोक टोक करते हैं, क्योंकि समाज खराब है। आप लोग क्या मानते हैं, समाज खराब है? समाज ही हमारे अंदर ही कमी, समाज खराब नहीं है, सिर्फ उनकी सोच खराब है। आप लोग ये मानते हैं सोच खराब है? अगर हम बदलेंगे तभी उनकी सोच बदलेगी। जैसे कि कहा जाता है लड़की छोटी कपड़े पहनती है इसलिए लड़के की नज़र उसकी तरफ जाती है, लेकिन लड़के की नज़र ही तो गंदी होती है तभी तो लड़के की तरफ जाती है। अभी गैंग रेप हुआ है, अगर उसमें सरकार थोड़ा बड़ा कदम उठाती, उसने उठाया कदम, ये नहीं कि नहीं उठाया लेकिन थोड़ा बड़ा उठाती, तो शायद जो अब और हुए हैं वो थोड़े रुक जाते।
जाते, वो डर जाते कि अगर उसके साथ ये हुआ है हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन आजकल कोई ऐसा नहीं सोचता और किसी पे भरोसा करने की कोई वो नहीं। ज्यादा बड़ी भी नहीं है, आज वुमेंस डे है। वुमेंस डे का मतलब क्या है मैं भी ज्यादा नहीं जानती, मैं सीधी बात बोलती, मैंने कभी इसको जानती भी नहीं थी, अब जानने लगी क्योंकि मैं 12th के बाद जब से मैंने इसको सुना है। ठीक है, तो वुमेंस डे का मतलब ये है कि हम अपने आप को कैसे एबल बनाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं अपने आप में ये जानती हूँ कि मैं 11th में थी या मेरे फादर ने बोला कि बेटा मैं एबल नहीं तुझे पढ़ाने में, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बोली, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा, तो जो करेगी वो मदद ज़रूर करूँगी। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, उसके बाद मेरी जॉब नहीं थी, 2 साल मैं अपनी मम्मा के साथ रही, मम्मा के साथ में फिर और वापस पापा के पास रही हूँ और उनके साथ रह रही हूँ और जॉब कर रही हूँ। ठीक है, बट मैं एक बात बोलूँगी आप लोगों को कि प्लीज़ अपने आप को एबल बनाना, कमज़ोर नहीं, और इतना करना कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर सको, क्योंकि एक लड़की जितना लड़की को रिस्पेक्ट करते हैं ना, मेरे पापा मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, वो मुझे मेरी मदद करते हैं, तो इसलिए अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करो, उन्हें सब कुछ बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है, आपको कोई कुछ कहता है पेरेंट्स को बोलो, अगर उन्हें नहीं बोलोगे तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपका कोई फ्रेंड भी है ना, मैं गर्ल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बॉयफ्रेंड की बात कर रही हूँ, मैं फ्रेंड की बात कर रही हूँ, अगर वो आपको कुछ कहता है, वो आपको गलत वे में भी ले जा रहा है, तो उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताओ कि वो मेरा फ्रेंड था लेकिन अब वो बदल रहा है, अब मैं उसे दोस्ती नहीं रखना चाहिए, वो मुझे परेशान कर रहा है, तो वो भी बताओ उन्हें, क्यों, क्योंकि वो सबसे अच्छे दोस्त आपके पेरेंट्स हैं आपके, उन्हें अगर कुछ बताओगे तो वो हर बात का सलूशन ज़रूर देंगे, चाहे वो कोई भी हो। इवन आप लोग ट्रस्ट करते होगे अपने पड़ोसी, 10 लोगों को क्या होता है, कई बार हम लोग पेरेंट्स को नहीं बताते लेकिन पड़ोसी को ज़रूर बताते हैं, लेकिन पड़ोसी हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, हमें पालने वाले हमारे पेरेंट्स हैं, तो उन्हें वो चीज़ बताओ, चाहे वो तुम्हारी सहेली हो, चाहे तुम्हारा दूर का फ्रेंड हो, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो, वो तुम्हें मजाक में भी कुछ कहता है ना, वो बात तुम्हें याद रखनी चाहिए कि उसने मजाक में मुझे कुछ गलत बोला है, तो उस गलत बात को भी अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वो गलत बात बढ़ सकती है। तो वुमेन हो, वुमेन की इज्जत करो, बस। महिला अपराध शाखा जिसे कहते हैं हिंदी में, हमारे बीच मैंने इनको आज इसलिए ज़्यादा अच्छा बुलाना अच्छा समझा कि महिलाओं से रिलेटेड काफ़ी केस आ रहे हैं और उनको मालूम नहीं है अपनी सही जगह के, वो अपनी शिकायत किस जगह जाके करें और कहाँ उनका सलूशन होगा। तो हमारा जो अब थाना भी बहुत नियर हो गया, सब्जी मंडी थाना बर्फ खाने के पास, तो सर ऑफिस में वहाँ 2 बजे तक तो बैठते हैं वहाँ, किसी की भी कोई प्रॉब्लम अगर लेडीज़ की हो, अपने हस्बैंड से रिलेटेड जैसे घरेलू हिंसा होती है या छेड़खाने का कोई केस या कोई मिस कॉलेज आ रहे हैं या कोई भी ऐसे में जानते नहीं हम इसको कहाँ पे कंप्लेन करें, तो सर कहने लगे कि मैं लेडीज़ नहीं हूँ, आप मुझे इन्वाइट कर रहे हो इस प्रोग्राम में आज वुमेंस डे, मैं क्या, नहीं सर आप वुमेन नहीं हो, मैन हो, लेकिन हमें आपकी ज़रूरत है और आपको आना है हमारे प्रोग्राम में। आज सर ने अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबको आप लोग जानते भी, आप लोग जानते हो सर को पैसे नहीं जानते ना, कोई भी नहीं जानती, तो इसलिए नहीं सर क्या लेडीज भी है ना, और फिर जो इनके पेरेंट्स है, जो लड़कियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, इनकी जो मदर है उन्हें भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो कम से कम की घर जाके बताएंगी तो कि सर आए थे और हम उनसे मिले थे और वो उनका बहुत अच्छा व्यवहार है, वो हमारी मदद करेंगे, एक उन्हें रास्ता मिला कि हम यहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी का, रोशन जी का और आप सब लोगों का, मानव सेवा समिति का, साथ में नेहरू युवा केंद्र का और आप सबका। अभी बच्चों ने बोला, मरियम ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, इसके बाद फरहीन ने बहुत अच्छी बातें कही, साथ में साना ने, उसके बाद चेतना, चेतना तो चेतना है, जागृति है, अवेयरनेस है, और बहुत बढ़िया बातें बताई। लेक्चर देने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर, मैं CAW में ACP हूँ, आप का वेलकम है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो इन्हें मालूम है, सुमित जी को, तपस्म जी को, और इन्हें वहाँ के टेलीफोन नंबर और आम नंबर तो शीला दीक्षित जी ने दे रखा आपको, 181 है, 1091 है, 100 है, और अपने यहाँ का है 2382880 मेरे ऑफिस का, ये मैडम बता देंगी आपको। वैसे मैं समझता हूँ कि जरूरत ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बहुत सारी बातें हैं,
आज ये सब नहीं ज्यादा बोलूंगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो जागृति की बात कही, चेतना खासतौर से अवेयरनेस की, वो हमें होना पड़ेगा, वुमेन एम्पावरमेंट को पहचानना पड़ेगा। क्या बहुत बढ़िया फंक्शन किया, और सबसे बड़ी बात चेतना के लिए दोबारा से ताली। नाम बताओ उसको, क्या नाम बता दो। शारिया। शादी शारिया। शारिया क्या करती है, पढ़ती है, कौन सी क्लास में? हाँ जी, झूला झूलते हो? झूला झूलते हैं, दुआएं आती है, दुआएं पढ़ाओ। सोने की दुआ बता दो नानी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुद्दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुद्दुआ। खाना खाने की दुआ। खाना खाने की सुना दो। खाना खाने की दुआ। खाना खाने की बात की दुआ। खाना खाने की बात की दुआ। खाना खाने की अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी आप कहीं घूमने गए थे जानवर जीप पे, क्या देखा वहाँ पे? चिड़ियाघर गई थी। चिड़ियाघर में सारे जानवर बाहर आ गए हैं। खाना खा लो। दिवस महिला दिवस इसलिए मनाया गया ताकि उनको पता लगे कि महिलाओं का भी कोई दिन है, और महिलाएं हमारी जो पिछड़ रही हैं उनको आगे लाने का हमारा मेन मकसद है, उनको आगे लाना, सेल्फ डिपेंड करना, अपने पैरों पे वो खड़े हो जाएं, किसी की मोहताज ना बने। जो कम पढ़ी लिखी हैं लड़कियां हैं, कम से कम वो कोई वोकेशनल कोर्स जैसे सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर, ब्यूटी कल्चर, इन क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा रही हैं। और जो पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह से वो तो नाम कमा ही रही हैं, देश में हर आगे बढ़ रही हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग है वो ज्यादा आगे आए, उसको आगे लाने की ज्यादा जरूरत है। तो हम अपने क्षेत्र में काम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो पीछे रह गए हैं, और इनको इस तरह की ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि ये अपने अपने समाज में आज ये हमसे जुड़ी हैं, हमने इनके लिए काम किया है, और हमसे सीख के ये आगे और लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करें। तो मेरी उम्मीद है इन लोगों से कि ये मुझसे सीख के, मेरे को देख के, क्योंकि मैं भी इसी समाज की हूँ, इसी गली मोहल्ले की हूँ, और मैं यहीं के लिए काम इसलिए करना चाहती हूँ ताकि ये भी और आगे जो नई जनरेशन आएगी और अपने बच्चों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए मेरी तरह काम कर सके, उन्हें उन्नति का मार्ग दिखा सके। और आजकल जो रेप केसेस या जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इनसे भी किस तरह लड़ा जाए, और किस तरह, कैसे कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना घटने से पहले किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, और हमें किस तरह समाज में जब हम बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी रखें ताकि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना घटे। तो उसके लिए अगर हम पहले से ही तैयार रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। और हम आगे जो लड़कियां बाहर निकलती हैं उन्हें भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि जब वो बाहर निकलें घर से तो बड़ा सावधान होकर अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखकर निकलें, और जो कोई अगर उनको कोई गलत मैसेज पास करता है तो बहुत सारे वो जो हेल्पलाइन नंबर हैं जैसे 1811091 गवर्नमेंट ने, और कुछ जो थाने नियर बाय थाने कुछ उन्होंने भी हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, जो हम इन्हें बताते रहते हैं, हमेशा मैसेज देते रहते हैं कि आप उस नंबर से कांटेक्ट करें और अपना हेल्प वहां से अपनी हेल्प ले सकते हैं। नीतू नाम है सर। सर आज काफी खुशी का दिन है। यस सर। प्राची गुप्ता। सर मैं यही कहना चाहती हूँ, आज हम लोग के लिए प्रोग्राम रखा गया और सारी महिलाएं आई यहाँ पे और उनके लिए स्पेशली प्रोग्राम रखा गया है, मतलब जागरूकता दिखाई गई है और वेकेशनल कोर्स के बारे में बताया गया है ताकि सारी इकट्ठी महिलाएं यहाँ पर आके और समझ सके, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट ले सके। सर यही कहना चाहते हैं। आप सक्षम हैं,
सर मैं आपके क्वेश्चन समझी। सर अकेले ही जाना आना करती हूँ कहीं भी, और मैं सक्षम हूँ, मैं सेल्फ डिफेंस भी सीखती हूँ, और मैं हर महिला को यही कहना चाहती हूँ कि उनको भी अपने लिए सेल्फ डिफेंस सीखें, और पुरुषों को मैं यही कहना चाहती हूँ अपनी सोच बदले। अगर अपनी सोच बदलते हैं, उनकी भी सिस्टर है, उनकी भी बहन है, अगर वो किसी और बहन को नहीं छेड़ते तो उनकी भी बहन के साथ नहीं कोई छेड़खानी करेगा, तो अपनी सोच बदलनी चाहिए। मेरा नाम नुसरत इरफान है। हाँ जी बिल्कुल फायदा होता है, लोगों को नई सोच के बारे में पता लगता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, किस तरह वो सेल्फ हो जाएं, सेल्फ डिपेंड हो जाएं बिल्कुल, और अपने काम खुद कर सकें, और आने वाली दुर्घटनाओं से बच सकें, अपने आप को किस तरह मतलब वो प्रोटेक्ट करें। मुश्किल तो खैर हर कदम पर ही आती है, लेकिन हम उन तकलीफों से डरना नहीं है, उससे मुकाबला करना है, आगे बढ़ना है। पेरेंट्स, सबसे ज्यादा पेरेंट्स का सहयोग मिलता है कि उन्होंने हमें सेल्फ डिपेंड बनाया कि अपना काम खुद करो। मेरा नाम बेनुबाला कश्यप। मेरा नाम बेनुबाला कश्यप है। महिलाओं की स्थिति बहुत गिरती जा रही है, सब महिलाओं को पैर की जूती समझने लगे हैं, मतलब महिलाओं के साथ जैसे 16 दिसंबर को दामिनी के साथ हुआ, वो आज हर लड़की के साथ हो रहा है, मतलब उस केस के बाद भी अब ये सिलसिला रुका नहीं है, अभी कल खबरों में देख रहे थे, मतलब रेप और बढ़ते जा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगी, अपना एक अस्तित्व कैसे बनाएंगी फिर वो समाज में। लड़कियों को अब ऐसी घटनाओं को रोकना, अपने आप को बचाना है तो खुद पर डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, और भी ऐसे कोर्सेज हैं, आगे बढ़ना चाहिए, इन्हीं की लड़की बढ़ नहीं रही, आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि हमें इस प्रोग्राम में सिखाया है, बताया कि लड़कियां कैसे कैसे कोर्स कर रही हैं और कैसे अपने आप को बढ़ा रही हैं आगे, सिविल डिफेंस की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें भी लड़कियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, हर चीज़ में लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। मेरा नाम सरोज है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं के लिए भी एक दिन बना है जो होना चाहिए, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, और भारत में अब धीरे धीरे सब लोग ही महिला दिवस को मनाने लगे हैं और समझने लगे हैं कि महिलाओं का भी सम्मान है, महिलाएं ही हैं जो इस देश की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि महिला नहीं है तो देश की तरक्की नहीं है। हाँ बहुत आया है कि आगे बढ़ना चाहती थी पर महिलाओं की वजह से नहीं आ पाई, जैसे घर में हस्बैंड है वो नहीं चाहते हैं कि मैं आगे जाऊं या कुछ, वो कहते नहीं घर में आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप घर पे रहिए, क्या जरूरत है आपको कुछ की? ये है उनके साथ। उनसे बहुत प्रेरणा मिली कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और एक महिला होकर के वो भी उस एरिया से जहाँ पे के महिलाओं को बिल्कुल घूंघट में रखा जाता है, पर्दा प्रथा है इनके यहाँ तो बुरका वगैरह, तो इन्होंने वहाँ पे आके काम किया है। हाँ जी मैं महिलाओं के लिए ही काम करना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, उनको जैसे गांव में जाओ तो बहुत कुछ नहीं मालूम है, गांव में जाके काम करना चाहती हूँ ज्यादातर में। हाँ जी मेरा नाम चेतना है, मैं एक स्कूल छात्र हूँ और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आजकल की महिलाएं कमजोर नहीं है, सिर्फ उनकी सोच कमजोर है, उनकी और उनकी फैमिली की, अगर महिलाएं थोड़ा आगे बढ़े तो उनकी फैमिली की सोच बड़ी हो जाएगी। क्योंकि महिलाएं पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है, इस देश में महिलाओं को बहुत तरह से उभारा गया है, जैसे कि भारत माता की तरफ, भारत माता को महिला के रूप में दर्शाया गया है, दुर्गा माँ को महिला के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन फिर भी उसकी इतनी इज्जत नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ये हम लोगों की डिग्निटी है, हम लोगों की सोच है कि हम लोग कितने ज्यादा सोच सकते हैं, हमारी सोच कितनी छोटी या बड़ी है,
आजकल की दुनिया में कोई किसी को देख के खुश नहीं होता, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई किसी के सुख से सुखी नहीं है। दुख होता है तो दूसरा इंसान कहेगा चल उसको दुख है मुझे सुख है, लेकिन अगर किसी को सुख होगा यार उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो गया, मेरे साथ बुरा हुआ। बस हमारी सोच के ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ। यहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिला है, जागरूकता मिली है। यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे शो हर जगह हो, ऐसे ऐसे प्रोग्राम हर जगह हो, तो नारी को और ज्यादा उभरने के लिए वो मिलेगा मौका। सर खुशी का दिन उस दिन होगा जिस दिन इस हमारे इलाके में हमारे शहर में लड़कियों को पूरी स्वतंत्र से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। सर बहुत सारी, और लेकिन मैं इस बात में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हमारे माँ बाप गलत नहीं है, हमारे समाज में इस कदर गंदगी हो गई कि उनका डर ना उनका परेशान होना बिल्कुल जायज है। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ लेकिन हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर स्टॉप होना है और कहाँ तक हमें जाना है, हमें अपनी लिमिट मालूम होनी चाहिए। हमारे माँ बाप अगर हम सही हैं तो हमें कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर गलत हैं और वो रोकते हैं, अगर हमारे माँ बाप हमें किसी चीज़ से मना करते हैं तो हमें वो बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बड़े हमसे ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी है। नहीं सरकार की तरफ कुछ सरकार की तरफ से भी है सर, कुछ अपना है भी है कि कुछ इलाकों में नहीं निकलने देते लड़कों को, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना देते, और जो बढ़ना चाहती है तो माहौल ने आज बिल्कुल लड़कियों को बेबस कर दिया है। सर सबसे पहले एक अच्छी इंसान बनना चाहूंगी मैं, जो दूसरों की मदद कर सके। आचल आचल अग्रवाल, एक तो मैं ये चाहती थी कि जैसे दामनी का जो रेप केस हुआ था तो उसमें जो है गवर्नमेंट ने जैसे ठीक है अभी तक तो जो मुजरिम है उनको सजा तो अभी तक मिली नहीं है, बट उसकी फैमिली को जो उन्होंने जो पैसे दिए क्या वो सही था। और एक दूसरा मेरे क्वेश्चन सबसे बड़ा ये था कि जैसे कि मैं जैसे कि मेरी खुद की एमए हो चुकी है, मैं आगे जॉब के लिए ट्राई करती हूँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि हर कोई ज्यादातर चाहता है कि पैसे दें, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे जिस मैं मतलब मैं खुद सोचती हूँ कि मतलब बिना पैसे के काम हो, आज हर जगह भ्रष्टाचार ही है, मैंने कितनी जगह जॉब से इंटरव्यू दिया है कई क्लियर हुए हैं बट उसमें पैसों की डिमांड सबसे ज्यादा हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि ये करप्शन हमारे देश से हटे जिससे कि जो हम लोग हैं जो हम पढ़ रहे हैं आगे तो फिर हमारे को भी कोई नया रास्ता मिले। अभी तक तो मेरे को ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ऐसे मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ मेरे अभी तक नहीं पढ़ रहा, लेकिन हाँ मैंने ऐसे कई जगह देखा है कि जिससे कि मेरी कई फ्रेंड्स हैं वो गई हैं जॉब पर, तो फिर वो ये कहते हैं कि स्मार्ट होनी चाहिए, गुड लुकिंग होनी चाहिए, बट मैं इन चीजों को ज्यादा बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे को कपड़े अच्छे पहनने से या हम ज्यादा स्मार्ट हों तो इससे हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, हमारे को मेहनत की हम खुद अच्छे होने चाहिए और हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी दिशा सही होनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये चाहती हूँ कि अच्छी इंसान बनूं, क्योंकि जब तक मैं अच्छी इंसान नहीं बनूंगी तब तक मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, अगर मैं अच्छी कुछ पोस्ट पे अच्छी चली हूँ तो कोई फायदा नहीं है उसका। घर से मैं सबसे पहले एक तो जॉब भी जरूर जॉब में टीचिंग बंद कर दे।